हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड चैप्टर जिसका नाम था चेंज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हमने आपको बताई थी पहले डिग्रीज कितनी होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और बिल्कुल सही सुपरलेटिव। इसमें से चार चेंजेस हम आपको बता चुके थे, आज है पांचवा जिसका नाम है चेंज सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव। यानी हम सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में किस प्रकार चेंज करेंगे। तो गाइस, इसका फर्स्ट रूल है, अगर हमारे सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, ध्यान रखना है सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, द। इफ द सेंटेंस हैज एन आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर द आता है तो हमारा रूल क्या होगा, हमारा रूल होगा नो या नो अदर प्लस लास्ट वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो या एच प्लस पीडी प्लस एच प्लस फर्स्ट वर्ड, ये हमारा रूल है। अगर हमारा सेंटेंस में डिग्री से पहले क्या लगा होगा, बिल्कुल सही द, तो हमें सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते समय इस रूल को फॉलो करना है। जैसे यू आर द बेस्ट बॉय, यू आर द बेस्ट बॉय। अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग अगर इस सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इन दोनों में से कोई सा एक वर्ड यूज करना है। सपोज हमने लिख लिया नो, अब हमारा लास्ट वर्ड है बॉय, हेल्पिंग वर्ब बॉय के अकॉर्डिंग इज, नो बॉय इज एज गुड एज you, okay guys? तो हमें ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव वर्ड में जब डिग्री से पहले द आएगा तो हमें पॉजिटिव बनाते समय, पॉजिटिव बनाते समय सेंटेंस को नो या नो अदर से प्रारंभ करना है, उसके बाद लास्ट वर्ड लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सो और एस लगाना है, पीडी प्लस एच और उसके बाद में फर्स्ट। कुछ लोग यहाँ पे सो लगा देते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया था अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है तो डिग्री से पहले सो लगाते हैं, अदरवाइज डिग्री से पहले एज भी लगाते हैं। अब गाइस, सेकंड रूल है, अगर हमारी सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में डिग्री से पहले वन ऑफ द लगा होगा, क्या लगा होगा, ये बिल्कुल सही वन ऑफ द, ऊपर वाले सेंटेंस में दा लगा था, यहां पे सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगा होगा, वन ऑफ द लगा होगा। तो हमारा रूल होगा, हम सेंटेंस को शुरू करेंगे सम, मैनी या वेरी फ्यू से, सम मैनी या वेरी फ्यू में से कोई सा एक वर्ड लगाएंगे, उसके बाद लास्ट वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में एच प्लस पीडी प्लस एच और उसके बाद में हम फर्स्ट वर्ड लिख देंगे। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अगर डिग्री से पहले द लगा है तो ऊपर वाला रूल और डिग्री से पहले वन ऑफ द लगा है तो सेकंड वाला रूल को हमें फॉलो करना है। सेंटेंस को सम, मैनी या वेरी फ्यू से शुरू करना है, लास्ट वर्ड लगाना है और हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखनी है कि सुपरलेटिव डिग्री में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी और यहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल करना होगा। जैसे एग्जांपल है कबीर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
पोइम्स। कबीर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट। तो गाइस डिग्री से पहले क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है, बिल्कुल सही। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें सम मैनी या वेरी फ्यू में से कोई सा एक वर्ड यहां पे लिखना है। सपोज हमने लिख लिया सम, अब हमारा लास्ट वर्ड क्या है? पोएट्स। हमने यहां पे लिख दिया सम पोएट्स। अब रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, यहां पे प्लूरल आ जाती है, सम पोएट्स वर एज ग्रेट एज कबीर। ओके गाइस क्लियर हो गया? तो बस हमें यह ध्यान रखना है कि अगर डिग्री से पहले दा लगा है तो पॉजिटिव बनाते समय सेंटेंस को नो या नो अदर से शुरू करना है, और अगर डिग्री से पहले वन ऑफ द लगा है तो पॉजिटिव बनाते समय सेंटेंस को सम मैनी या वेरी फ्यू से स्टार्ट करके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देना है। और यह ध्यान रखना है कि फर्स्ट वर्ड के स्थान पे लास्ट वर्ड और लास्ट वर्ड के स्थान पे फर्स्ट वर्ड जरूर लिखना है। That's all.